हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम दीपक है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल आपके एचआर कंसल्टेंट में। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम लोग बात करेंगे अंडर पेमेंट के बारे में। जानेंगे कि कैसे आप लोग पता लगा सकते हैं कि आप लोगों को पैसे कम दिए जा रहे हैं या यू हैव बीन अंडर पेड। तो टॉपिक का जो नाम है वो है हाउ टू फाइंड दैट यू आर अंडर पेड। तो यहाँ पे दोस्तों क्या होता है, बहुत सारी कंपनीज जो होती हैं, जो मिड लेवल की कंपनी है या फिर जो स्टार्टअप्स हैं या फिर कंपनियां जो कि एक छोटे टाउन में ओपन है, तो यहाँ पे जो है आप लोगों को अंडर पे किया जाता है। बहुत सारे इंप्लॉय हैं जो वहां काम कर रहे थे, उनको पता भी नहीं होता कि उनको अंडर पेड किया जा रहा है। तो हम लोग इसी के बारे में जानेंगे कि अंडर पेमेंट बेसिकली होता क्या है और किस प्रकार से आप लोग पता लगा सकते हैं कि किसी इंप्लॉय को अंडर पेड किया जा रहा है और इससे ओवरकम कैसे करें। तो इसी के बारे में पूरा का पूरा वीडियो होने वाला है दोस्तों, बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं, जान लेते हैं कि कैसे आप लोग पता लगाए कि एक अंडर पेड इंप्लॉय कौन होता है या कैसे पता लगाए कि आप अंडर पेड। तो सबसे पहली चीज नापने की ये होती है, या मापदंड जिसको मैं बोलूं वो ये होता है कि अगर आपके शहर में जहां आप रह रहे हैं उसका कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो ऊपर चला गया है, लेकिन जो आपका पेचेक है या फिर आपका पे स्केल या फिर आपकी सैलरी जो है वो इंक्रीज नहीं हुई है, वो वहीं पे रुकी हुई है, वहीं स्टैग्नेंट है, तो इसका मतलब शॉर्ट शॉर्ट है कि आपको अंडरपेड किया जा रहा है और कंपनी आपको ज्यादा पैसे देने में इंटरेस्टेड नहीं। दूसरे शब्द में अगर मैं बताऊं तो इसका मतलब होता है कि जो मार्केट में इन्फ्लेशन होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी करंटली में जो टमाटर के दाम चल रहे हैं वो आसमान छू रहे हैं, 150 रुपए केजी या 130 रुपए केजी चल रहा है, तो ये एक इन्फ्लेशन है। तो जो मार्केट में जो इन्फ्लेशन है उसके बेसिस पे अगर आपकी सैलरी नहीं इंक्रीज होती है कि जैसे 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 मार्केट में इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रहा है उस बेसिस पे अगर थोड़ी भी सैलरी आपकी इंक्रीज नहीं होती और आपको उतनी ही सैलरी मिल रही है, दैट मीन्स यू हैव बीन अंडर पेड एट वर्क, आपको पैसे नहीं दिए जा रहे हैं कंपनी में। अब यहां नॉर्मल से एग्जाम्पल लेके अगर मैं बताऊं तो सबसे फेयर एग्जाम्पल ये रहेगा कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप जहां पे काम कर रहे हैं, लेट्स से आप छोटे से शहर में काम कर रहे हैं और वहां पे जो सैलरी स्ट्रक्चर है, जो सैलरी रेंज जाता है, आप जिस लेवल पे काम कर रहे हैं, जिस प्रोफाइल में काम कर रहे हैं, वो है 5 से 6 लाख रुपए जाता है साल का उस पोजीशन में, लेकिन जो आपकी जो करंट सैलरी है वो 3 लाख पर एनम है। इसका मतलब शॉर्ट शॉर्ट है कि आपको जो है 3 से 2 लाख कम मिल रहे हैं और इसका मतलब जो है आप अंडरपेड की कैटेगरी में आते हैं। होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे आप लोग डिफाइन कर पाएंगे कि आप अंडरपेड हैं, ठीक है, या कोई अंडरपेड इंप्लॉय। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने कुछ 6 साइंस बताए हैं, ये 6 साइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साइन है और भी ज्यादा हैं, लेकिन ये 6 बहुत ज्यादा इंक्रेडिबल है। इनको अगर आप नाप लेते हैं तो आपको आराम से पता चल जाएगा कि क्या आप अंडरपेड हैं, क्या आपको ज्यादा सैलरी की जरूरत है। तो सबसे पहली चीज जो होती है वो ये है कि आपको अपनी सैलरी जो है अपने कुलीग के साथ कंपेयर करनी। ये कुलीग जो है आपकी कंपनी में भी हो सकते हैं, ये कुलीग जो है आपके बाहर भी हो सकते हैं, दूसरी कंपनी में काम करने वाले इंप्लॉयज भी हो सकते हैं जो आपके दोस्त की कैटेगरी में आते हैं। अगर वो सेम लेवल पे काम कर रहे हैं और दूसरी कंपनी में काम कर रहे हैं और उनकी सैलरी स्ट्रक्चर ज्यादा है और आपकी कम है, दैट मीन्स कि आप अंडरपेड हो रहे हैं। दूसरा, अपनी कंपनी में भी जो आपके साथ में कुलीग काम करते हैं उनसे भी आप बातों बातों में पूछ सकते हैं। वैसे सैलरी पूछना सही बात होती नहीं है, लेकिन फिर भी बातों बातों में अगर आपको सैलरी पता चल जाती है तो इससे क्या रहेगा, आप अपनी सैलरी कंपैरिजन कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि आपको क्या अंडरपेड किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। यह सबसे पहला तरीका होता है अंडर पेमेंट पता करने का। देन दूसरा आता है योर रिस्पॉन्सिबिलिटी हैव इंक्रीज बट सैलरी इज इट। ये सिंपल सा है कि कंपनी सोचती है कि आप इतने समय से काम कर रहे हैं, आप बहुत ही अच्छे यूजफुल रिसोर्स हैं, तो आपको ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है। अब ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी देने के कारण क्या होता है, आप ज्यादा काम करते हैं, ज्यादा डेडिकेशन के साथ काम करते हैं, बट प्रॉब्लम कहां जाती है, जब कंपनी आपको सैलरी इंक्रीज करके नहीं देती। तो अगर कंपनी आपको सैलरी इंक्रीज करके नहीं दे रही, आपको ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, आपको प्रमोशन दे दिया, दैट मीन्स दैट यू हैव बीन अंडरपेड। कंपनी आपको वैल्यू नहीं कर रही है, बस आपको काम ज्यादा पकड़ाना चाहती है लेकिन आपको सैलरी नहीं देना चाहती है, दैट मींस आपको अंडरपे किया जा रहा है। तीसरा है लेस बेनिफिट इन कंपैरिजन टू योर कुलीग। देखिए, कई कंपनियों में ऐसा होता है कि जो बेनिफिट्स हैं वो डिपेंड करता है कि आप कौन से बैंड में हैं, कौन से पे स्केल में आते हैं, कौन से लेवल में आप काम कर रहे हैं। और अगर किसी कंपनी में सेम लेवल में कोई आप काम कर रहे हैं, अपने कुलीग के साथ सेम लेवल में काम कर रहे हैं और आपको कुलीग को ज्यादा बेनिफिट मिल रहे हैं और आपको कम मिल रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लीव ज्यादा मिल रही हैं या जो कंपनी में और भी बेनिफिट्स हैं वो ज्यादा मिल रहे हैं और आपको उनके कंपैरिजन में कम मिल रहा है ये सारे बेनिफिट्स, दैट मीन्स कि आपको अंडरपेड किया जा रहा है।
देन नेक्स्ट आता है नो परफॉर्मेंस रिव्यू। देखिए कोई भी कंपनी हो वहां पे परफॉर्मेंस रिव्यू होना अनिवार्य है, चाहे छोटी कंपनी हो चाहे बड़ी कंपनी हो। और अगर किसी कंपनी में आप काम कर रहे हैं और आपका परफॉर्मेंस रिव्यू नहीं होता है, परफॉर्मेंस रिव्यू कौन करता है? परफॉर्मेंस रिव्यू करता है आपका जो इमीडिएट रिपोर्टिंग मैनेजर होता है, वो आपका परफॉर्मेंस रिव्यू करता है। अगर आपका इमीडिएट रिपोर्टिंग मैनेजर आपका परफॉर्मेंस रिव्यू नहीं करता है, वो टालता चला जाता है, चलो अगले महीने कर लेंगे, चलो 3 महीने बाद देखते हैं, और आपका परफॉर्मेंस रिव्यू हो ही नहीं रहा। देखिए जब आपका परफॉर्मेंस रिव्यू ही नहीं होगा तो आपकी सैलरी इंक्रीमेंट ही नहीं होगी, और सैलरी इंक्रीमेंट नहीं होगी आपका प्रमोशन भी नहीं बढ़ेगा। तो इसका मतलब शॉर्ट शॉर्ट है, वो आपका रिव्यू नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं कि बस आप उसी लेवल पे काम करते रहे और वो और काम आपको देते रहे, आपकी सैलरी इंक्रीज करने में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। दैट मींस कि आप टोटली अंडरपेड है वहां पे। देन नेक्स्ट आता है हाई टर्नओवर रेट। हाई टर्नओवर रेट का मतलब क्या होता है? हाई टर्नओवर रेट का मतलब होता है कि किस कंपनी में कितने एम्प्लॉयज जो है छोड़ के जा रहे हैं। तो अगर बहुत सारे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आपकी कंपनी छोड़ के जा रहे हैं, उनसे आप बात कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं क्या कारण है। अगर वो बोलते हैं कि भाई कंपनी ज्यादा पैसा नहीं दे रही है, ग्रोथ स्टैग्नेंट है, इसलिए हम छोड़ के जा रहे हैं, दैट मींस वो कंपनी जो है अपनी एम्प्लॉय को ज्यादा पैसे नहीं देती, मार्केट लेवल के हिसाब से पैसे नहीं दे रही है, दैट मींस यू हैव बीन अंडरपेड, तो आपको भी दूसरी कंपनी देखनी चाहिए। इसी से रिलेटेड है नेक्स्ट वाला पार्ट, जो कि यू हैवंट नेगोशिएटेड योर सैलरी। जब आप कोई भी कंपनी ज्वाइन करते हैं, आपके पास ये राइट होता है कि जो आप सैलरी डिमांड करते हैं उसको आप नेगोशिएट कर सकें। तो सैलरी नेगोशिएशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है और ये आना भी चाहिए। बहुत सारे लोग जो है छोड़ देते हैं, अरे छोड़ो यार, जितनी सैलरी मिल रही है काफी अच्छी मिल रही है, हम नहीं नेगोशिएट करेंगे, वो ले लेते हैं। तो इसमें क्या रहता है, जो अगर आपको पता नहीं है कि आपको कितनी सैलरी मिलनी चाहिए डिपेंडिंग ऑन द मार्केट, तो कंपनी आपका फायदा उठा लेती है, आपको कम सैलरी देके आपको रख लेती है। आपको वहां डेस्परेट नहीं होना है, आपको चेक करना है, बकायदा देखना है वेबसाइट में कि कितना सैलरी जाता है आपके लेवल में मार्केट में, और उसके बेसिस पे अपनी सैलरी नेगोशिएट करनी है और तब सैलरी लेनी है। अगर आप सैलरी नेगोशिएट नहीं करेंगे तब आप जो है अंडरपेड हो जाएंगे। तो ये कुछ 6 साइन है जिनको अगर आप अच्छे से जान लेते हैं तो आप इनसे ओवरकम कर सकते हैं। तो अगले स्लाइड में बात करेंगे कि कैसे आप लोग कम सैलरी अगर आपको मिल रही है उससे कैसे आप लोग ओवरकम कर सकते हैं। मैंने बताया हाउ टू ओवरकम इट। सबसे पहली चीज जो मैं बताता हूं वो ये है, क्योंकि देखिए आजकल एआई का जमाना आ गया है, टेक्नोलॉजी तो काफी पहले से यूज हो रही है, एआई भी आ चुका है, तो मेक श्योर कि जो आपकी स्किल सेट है ना उसको ज्यादा से ज्यादा डेवलप कीजिए। जितनी ज्यादा आप नई नई स्किल सेट डेवलप करेंगे उतना ही आगे आप मार्केट में रहेंगे, उतना ही ज्यादा पेमेंट आपको मिलने की संभावना बनी रहेगी। तो ये सबसे पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है, आपके जो कुलीग है वो लोग कुछ आगे पढ़ाई कर रहे होंगे या कोई सर्टिफिकेशन कर रहे होंगे, उनसे बात करें। आपको कोई प्रॉब्लम लगती है, जो आपके भरोसेमंद कुलीग है उनसे बात कर सकते हैं, उनसे बात करें और जानें कि क्या वो सजेशन देते हैं। आप बता सकते हैं कि मुझे यार कम पेमेंट मिल रही है और मुझे ज्यादा चाहिए, मेरे को नहीं लग रहा कि मार्केट के हिसाब से मेरे को पेमेंट मिल रही है, पता नहीं मैं कहां गलती कर रहा हूं, तो क्या गाइड कर सकते हो। तो जो आपका अच्छा कुलीग होगा ना वो बकायदा आपको गाइड करेगा, और जो वो गाइड करते हैं उसके बेसिस पे भी आप चल के जो है इस चीज को ओवरकम कर सकते हैं और नए नए सर्टिफिकेशन करके अपना करियर अच्छा बना सकते हैं और ज्यादा सैलरी ले सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है लुक फॉर न्यू अपॉर्चुनिटी या दूसरी कंपनी देखें। देखिए दूसरी कंपनी भी आप तब देख पाएंगे जब आपके पास नए नए स्किल सेट्स हों, आप मार्केट के हिसाब से आपके पास स्किल सेट्स हों, आपके स्किल सेट्स ऐसे ना हो कि पुराने होते चले जा रहे हैं और मार्केट में जरूरत ही नहीं है। तो ये जो ऊपर वाला डेवलप योर स्किल सेट है इससे रिलेटेड करता है, तो मेक श्योर कि आपके पास नए स्किल सेट्स हों, देन उसके बेसिस पे आप जॉब ढूंढें, नई अपॉर्चुनिटी ढूंढें अगर करंट कंपनी आपको उतनी सैलरी नहीं देती हो। जब आप नई अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे उसी से रिलेटेड है नेक्स्ट वाला पॉइंट, दैट इज नेगोशिएट वेल। तो जब आप नई अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेते हैं, आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो वहां पे बकायदा आप रिसर्च करके जाएं कि आपके लेवल पे जिस पोजीशन पे आप जा रहे हैं उस पोजीशन पे कितनी सैलरी जो है दी जाती है, और उस सैलरी के हिसाब से आप आगे जाके जिस कंपनी में आपका चयन हुआ है उस कंपनी में जाके आप नेगोशिएट कर सकते हैं और एक बार रख सकते हैं कि मुझे इतनी ही सैलरी चाहिए, इससे नीचे मैं नहीं लूंगा। तो एक अच्छा नेगोशिएशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये आप 4 चीजें करते हैं तो डेफिनेटली जो है आप ओवर आपको पेमेंट अच्छी से मिलेगी और जो है अंडर पेड की कैटेगरी से आप लोग निकल जाएंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही नए नए कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर आता रहूंगा दोस्तों। और मेरा जो एक वेबसाइट मैंने लॉन्च की है aapkahrconsultant.com से, उसको भी जाके आप लोग देख सकते हैं, वहां मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में ब्लॉग डालता हूं, वहां पे भी जाके आप लोग अपने कमेंट्स दे सकते हैं दोस्तों। बस दोस्तों आज के लिए इतने था, मैं मिलूंगा आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद दोस्तों।